गुड मॉर्निंग टू ऑल माई स्टूडेंट्स. आज हम आपको क्लास सिक्स हिंदी फर्स्ट चैप्टर 9 मैं सबसे पहले छोटी हो जाऊं नामक कविता के बारे में बताएंगे. इस कविता में एक बच्ची ने माँ से कभी बड़ा न होने की इच्छा दर्शाई है. रीडिंग के दौरान मैंने जिन शब्दों को अंडरलाइन किया है उसे आप भी अंडरलाइन करेंगे. मैं सबसे छोटी हो जाऊं, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू, पीछे चलती है माता. इस कविता में यह बताया गया है कि बचपन की यादों में माँ का होना स्वाभाविक है. इस कविता के अंतर्गत कवि नन्ही सी बच्ची बनकर माँ की गोद में लिपट कर सोना चाहती है. बच्ची अपनी माँ से कहती है कि हे माँ, मैं तेरा आँचल पकड़ कर दिन रात तेरे साथ ही रहना चाहती हूँ. हे माँ, तू पहले मुझे बड़ा बनाती है और बाद में धोखा देकर तू मेरा साथ छोड़ देती है. हाथ पकड़ कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से किला दुलामुख धूल पोंछ सब चित कर गाता, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात. बच्ची अपनी माँ से कहती है कि हे माँ, मेरा हाथ पकड़कर हमेशा मेरे साथ क्यों नहीं चलती हो, मुझे बड़ा करके तुम मेरा साथ छोड़कर चली जाती हो, तुम दिन रात मेरे साथ क्यों नहीं रहती हो. हे माँ, मैं चाहती हूँ कि तुम आज मेरे कपड़ों में लगी धूल साफ करके मुझे अच्छी तरह से सज्जित कर मेरे हाथों में खिलौने पकड़ाओ तथा बड़े प्यार से मुझे गोद में लेकर मुझे परियों की कहानी सुनाओ. ऐसी बड़ी ना हूँ मैं, तेरा स्नेह न कहूँ मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूँ निष्प्रिय निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय. बच्ची अपनी माँ से कहती है कि हे माँ, मैं इतनी बड़ी भी ना हो जाऊँ कि मुझे तेरा स्नेह भरा प्रेम न मिले. हे माँ, मैं चाहती हूँ कि मैं तेरी आंचल की छाया में दिन रात बिना किसी लालच और भय के पड़ी रहूँ और जब भी मैं तुमसे चंद्रमा को प्राप्त करने की जिद करूँ, तुम मुझे उदय होते हुए चंद्रमा का दर्शन करवा दो. इस चैप्टर का शब्दार्थ आप लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे. आइए अब हम अभ्यास कार करते हैं. पहला, काव्यांश पढ़कर सही विकल्प चुनिए. अपने कर से खिला गुलामुख धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात का कविता में किसे संबोधित किया गया है. माँ को. खा, खिलौने थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात. उपर्युक्त पंक्तियों में क्या दर्शाया गया है? माँ से शिकायत. गा, माँ किसकी बात अब नहीं सुनाती? परियों की. दूसरा, उपयुक्त शब्दों से पंक्तियां लिखिए. ये आपको अभ्यास कार्य में दिया जा रहा है. होमवर्क में, सॉरी, ये एक्सरसाइज आपको होमवर्क में दिया जा रहा है. इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर की फोटो आपको होमवर्क में दे दी जाएगी. आज की कक्षा में बस इतना ही. धन्यवाद.